मेवात जिले के मांडखेड़ा गांव में स्थित पथवारी मंदिर के चबूतरे से कुछ शरारती तत्वों द्वारा दुर्गा माता की मूर्ति को चोरी करने का मामला सामने आया है गांव की मौजूदा सरपंच सुशीला और पूर्व सरपंच दिनेश कालडा ने इस मामले की नगीना थाने में अज्ञात लोगों के खिलाफ शिकायत दी है जिस पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है लेकिन अभी तक इस बात का पता नहीं चल पाया है कि मूर्ति को किन लोगों ने चोरी किया है बताया जा रहा है कि नवरात्र के चलते चबूतरे पर मूर्ति को रखा गया था जिसे अज्ञात लोगों ने चोरी कर लिया वहीं इस मामले की निंदा करते हुए मुफ्ती रफीक अहमद ने कहा कि ये घटना घटना बहुत ही शर्मनाक है जिससे सभी समुदाय के लोगों में गुस्सा है मामले की कठोर निंदा करते हुए मुफ्ती रफीक ने कहा कि जिन लोगों ने भी इस घटना को अंजाम दिया है पुलिस उनकी पहचान करे और जल्द उन्हें गिरफ्तार करेम रफ़ी अहमद यहाँ मदरसे की ज़िम्मेदारी खिदमत मेरे सपुर है एक दीनी अदारा हम धार्मिक इदारा चलाते हैं मुझे पता चला है कि यह हमारे पड़ोस में एक पथवारी है एक चबूतरी बनी हुई थी अब तो उसकी बाउंड्री हो गई है तो सुना है कि वहाँ पे किसी ने कोई हरकत करी है और मूर्ति को चुरा लिया है ये जो भी किया है ये इंतहाई घटिया और गलत हरकत है हम इसकी सख्त मजम्मत करते हैं निंदा करते हैं पुलिस प्रशासन इस मामले की जांच करे तहकीक करे और जल्दी से जल्दी मुलजिम को गिरफ़्तार करके उसे सज़ा दी जावे किसी भी मज़हब से आदमी को किसी तरह का भेदभाव नहीं रखना चाहिए ये इंसान की अपनी इच्छा होती है अपना इख्तियार होता है कोई किसी मज़हब को मानता है कोई किसी मजहब को मानता है आदमी इस सिलसिले में आज़ाद होता है किसी को तकलीफ़ पहुँचाना दिल को ठेस पहुँचाना और उसके धार्मिक स्थल वगैरह को इस तरह से नुकसान पहुँचाना ये इंसानियत के ख़िलाफ़ है सबसे बड़ी चीज़ इंसानियत है जो इस सोच के लोग होते हैं वो इंतहा दर्जे के फितीन होते हैं नापाक लोग होते हैं माशरे को गंदे करने वाले लोग होते हैं और यकीन ऐसी हरकत इंतहाई किसी गंदे जहन के आदमी ने ये की होगी जो कि इंसानियत में कोई जगह नहीं रखता होगा माशरे और समाज में ऐसे लोगों के लिए कोई हिस्सा नहीं है जो नफरतें फैलाते हैं जो लड़ाई झगड़े कराना चाहते हैं और जो ऐसा इलाका है मेवात का जिसमें हिंदू मुस्लिम सब एक साथ रहते हैं ब्याह में शादी में गमी में खुशी में और हम भी हमारे जो हिंदू भाई हैं यहाँ मांडी खेड़ा में सबसे हमारी दुआ सलाम है और हम जब भी कोई बड़े मजमे से खिताब करते हैं बड़ा सम्मेलन होता है उसमें भाईचारे की बात करते हैं मोहब्बत की बात करते हैं लोगों से हमारी बराबर दुआ सलाम है हिंदू भाइयों के साथ हमारी बैठकें हैं और हमें यही करना चाहिए हम तो धर्म गुरु हैं हम लोगों के लिए यही जेबा है कोई भी धर्म को को जो गुरु होता है वो नफरत की बातें नहीं करता है तो ये जो भी कुछ हुआ है बहुत बुरा हुआ है इससे हमें बड़ी तकलीफ़ है और सबको इससे तकलीफ़ होनी चाहिए मस्जिद हो मंदिर हो सबका एहतराम करना चाहिए ये इंसानी फरीज़ा है आ, फिर मैं दोबारा पुलिस प्रशासन से कहना चाहता हूँ कि इस सिलसिले में कड़ी से कड़ी जांच करें तहक़ीक करें और उसके बाद जो मुजरिम हैं मुलजिम हैं उसको कड़ी से कड़ी सज़ा कुल हम इन समुदाय के साथ हैं जिनको तकलीफ़ पहुँचाई गई है हम उनके साथ खड़े हुए हैं हमारी जहाँ भी जरूरत हो हमारी मदद की ज़रूरत हो हम उनके साथ खड़े हुए हैं